الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم रसूल तब वही है जिसने नाखानद लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हीं उसकी आयतें पढ़ कर सुनता है और उनको पाक करता है और उन्हें किताबत सिखाता है الله رب العالمين کا دوسری جگہ ارشاد هو كنتم خير أمّة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو ابو مسعود عقبہ بن عامر رضی الله عنه سے روایت ہے अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने फ़रमाया मंदल अजरी फाइली जो कोई शख्स किसी आदमी को नेकी की राह बताए या किसी को नेकी का रास्ता दिखाए उसको उतना ही सवाब है जितना नेकी करने वाले को अल्लाह सुबहान ताल अ करता है और इसी तरीक़े से मुस्लिम की रिवायत है हज़रत अबू हर ऱील रवि हदी से अल्लाह के नबी सल्हु वसम ने फ़रमाया मंदालादन का नल मिनरी मिसल जो कोई शख्स किसी हिदायत की तरफ आदमी को बुलाए कोई अच्छाई की तरफ कोई नेकी की तरफ बुलाए तो उन तमाम लोगों का अजर उससे मिलेगा जो उस नेकी पर अमल करता है उस नेकी पर अमल करने की वजह से उससे जितने भी लोगों को उसका तबाब मिलेगा नेकी की तरफ़ बुलाने वालों को भी उतना ही तव मिलेगा लायन खुशा बिन वजू रही शैया और उनके अजर में से सेवा में से ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी वमन दिला और जो कोई शख्स किसी को गुमराही की तरफ़ बुलाए गलत राह की तरफ बुलाए कान अली ही बिनल इसमी मिसल आसामी मन तब्याहूँ और जो कोई गुनाह की तरफ़ या गुमराहि की तरफ, तरफ बुलाया और लोग उसकी उस गुमराही की, उस की तरफ आकर उस गुमराही परमल कर रहे हैं उस बुराई पर अमल कर रहे हैं जितने लोग उस गुमराही पर और उस बुराई पर अमल करेंगे उन तमाम लोगों का गुना जो आदमी ने गुनाह की तरफ़ बुलाया गुमराही की तरफ़ बुलाया उसको मिलेगा लयकू जयाक बिन ऐसा महिम शया और उसके गुनाह में से ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी और इसी तरीके से तिरमी की रिवायत है, हजरत अबू उमामा उमाम अलबाहली अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्ह वसलम ने फ़रमाया إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ديكي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرمانا بيشك الله سبحانه وتعالى أو فرشتي زمنوا أسمان من تمام مخلوقات حتى كي بل اندر جو هي समुंदर में जो मछली है पानी में जो मछली है वो तमाम के तमाम भलाई की तरफ बुलाने वालों के हक़ में दुआएं करते रहती है और अल्लाह आलमीन की ख़ुसूसी रहमतें नाजिल होती हैं किन लोगों पर जो लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं तो अल्लाह तआला अम्बिया इक्राम को भेजने का एक मकसद लोगों को भलाई का हुक्म देना बुराई से रोकना भलाई में सबसे बेहतरीन भलाई इंसान को तोहेद की दावत देना है अमन अहसन मम दा वामिलसमिन और जो बुराई है जिसको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा वो है शिरक़ इंसान को शिरक से रोकना इन इन् शिरक़ुल्मन आज़ीम इलाफ्रयुशर कभी विरुमैदू नज कल ऐशा तो इंसान को जब अल्लाह सुबहान तआला अम्बिया कराम के ज़रिए से लोगों को भलाई का हुक्म दिया अब अम्बिया तो नहीं रहे तो ये काम जो है अम्बिया के वारिस हैं और जो इल्म दीन इल्म सीखे हैं उनको करना है लोगों को भलाई का हुक्म देना है बुराई से रोकना है यानी तौहीद तो की तरफ बुलाना है शिर्क से रोकते रहना है और इसी तरीके से अम्बिया कराम का हमें पता चला कि अवलिन मकसद जो दुनिया के अंदर भेजा गया वो ये है कि लोगों को अच्छाई की तरफ़ बुलाना भलाई की तरफ़ बुलाना और दूसरी बात यह भी मालूम होती है हमें कि भलाई का हुक्म देने वालों पर अच्छाई का हुक्म देने वालों पर अल्लाह आलमीन की खसूस रहमतें रहती हैं ख़ास रहमतें उन लोगों पर रहती हैं और इसी तरीके से जो भलाई का हुक्म देता है उसके लिए फ़रिश्ते सुबहान तआला ज़मीन आस जमीन व आसमान के तमाम मखलूक़ात चूंटी और मछलियाँ क्या उसकी मफफ़रत के लिए दुआ करती रहती है तो हमें जहाँ तक हो सके लोगों को भलाई का हुक्म देते रहना चाहिए और बुराई से रोकते रहना चाहिए अल्लाह रब्लमी से दुआई कर ने मुझे और आपको कहीं सुनी बातों पर अमल पैरा होने की तोफ़ीक़त फरमाए आमीन असलकम्बरकू